उनके साथ अपने इंटरेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा. यू शुड ही शुड एंगेज मोर. बिल्कुल, ही विल हैव टू एंगेज मोर विद द मीडिया. एंड ही शुड, व्हाई डू यू थिंक ही डजंट डू इट? ही शुड बी लाइक अटल बिहारी वाजपेयी. ही वाज वेरी फ्रेंडली विद मीडिया और कठिन से कठिन सवाल के जवाब भी ऐसे दे देते थे कि पूछो मत. मैं उन्हें उनके इंटरव्यू किया जो प्राइम मिनिस्टर बने, उसमें मैंने उनसे सवाल पूछा एक रूबरू में कि आपके बारे में आपका कोई कभी अफेयर हुआ? तो उन्होंने कहा कि अरे अफेयर की बात जो है कैमरे पर नहीं की जाती, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं शादीशुदा नहीं हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं. इतनी हिम्मत होनी चाहिए. और ऐसे सवाल को इतने ढंग से उन्होंने ये कर दिया. जब मुशर्रफ का सवाल आया पार्लियामेंट में, इतनी जबरदस्त बहस चल रही थी जब वो आगरा टॉक्स फेल हुई है और वो पार्लियामेंट में उनको जवाब देना था आगरा डिस्कशन में. विनोद जी यहां बैठे हैं, राज्यसभा में जा पे पूरे 8 घंटे अटैक हुआ कि पूरी आपने क्यों मुशर्रफ को बुलाया, क्यों बुलाया आपने, और इंडिया की कराई, बेइज्जती कराई, ये वो दुनिया भर का. और वो खड़े उन्होंने शुरू किया कि भाई आप लोग बार बार कहते हैं कि क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, क्यों बुलाया. हम पहले ट्रेन से जाया करते थे, एमपी होते थे, तो जब दिल्ली से बाहर निकलते थे या दिल्ली के अंदर आते थे तो दीवारों पे लिखा रहता था कि कम से कम मिल तो लें डॉक्टर अरोरा, प्रोफेसर अरोरा, रैगरपुरा, करोलबाग. पूरा हाउस जो है एकदम हंसी मगर. तो हमने ऐसे मिल लिया, अब कोई शादी थोड़ा उनसे करने जा रहे थे. तो कम से कम मिल तो तू वो किसी चीज को कैसे घुमा के. तो वो कला होनी चाहिए. मीडिया से बचने से कुछ नहीं होता, मीडिया के साथ घुल मिल के चलने से ही सब रास्ता निकलता. ऐसा भी लगता है उनको कि मीडिया तो उनके कंट्रोल में है ही. उनको लगता है कि किसी भी सरकार के लिए, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं एक सरकार या एक प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे. मीडिया को पूरी तरह कंट्रोल में रखना और बराबर कंट्रोल में रखना संभव नहीं है. कुछ वक्त के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों का आप कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन आप पूरे मीडिया, और ये तो और बढ़ता चला जा रहा है. जैसे मैंने कहा ना कि मीडिया कर्मियों के धक्के से स्टार घायल, तो जहां इतने लोग हों कैसे कंट्रोल. एक आदमी, आप, मैं उदाहरण देता हूं, जो जर्नलिस्ट, आप विनोद जी विल कन्फर्म है कि एक जर्नलिस्ट जिसकी दफ्तर में बहुत मैनेजमेंट की तरफ से खातिरदारी होती है क्योंकि वो फला का क्लोज है या दिखा के बहुत नजदीक पहुंच गया, पूरा दूसरा दफ्तर के जो दूसरे पत्रकार होते हैं उससे बहुत जलते हैं, उसके खिलाफ रहते हैं. तो इसलिए आप कितनों को कंट्रोल करोगे? उसको जहां मौका मिलेगा वो लिख देगा कुछ ना कुछ, आप या बोल देगा कुछ ना कुछ. तो इसलिए संभव नहीं है. मुझे पता है कि News24 अनुराधा जी चलाती है और आप यू ट्राई टू मेंटेन अ काइंड ऑफ चाइनीज वॉल बिटवीन व्हाट यू डू इन पॉलिटिक्स एंड व्हाट शी डज इन मीडिया. मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप सब चैनल ओनर्स को जानते हैं कि पॉलिटिक्स में रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, पब्लिक लाइफ में है. संजय झा जी टॉक्ड अबाउट नॉर्थ कोरियन चैनल्स, आई मीन ही रिपीटेड व्हाट मिस्टर शोरी सेड, राइट? टेल मी व्हिच इज अ चैनल दैट यू रिस्पेक्ट एंड व्हाई. ऐसी कोई, एंड आई, यू नो, आई एम नॉट आस्किंग टू क्रिटिसाइज एनीवन, आई एम आस्किंग नोइंग योर नेचर. यू नो टुडे यू हैव बीन वेरी वेरी फ्रैंक. You are sometimes, for relationship's sake, still subdued. So, which is one network who you think does an honest job in even in the current circumstances? अरे इसमें कहाँ फंसा रहे हो मुझे? News 24 के अलावा. किसका नाम ले, किसका नाम न ले, है ना? देखिए News 24 तो अलग चीज होगी. News 24 में ऐसा हुआ कि अनुराधा जी के भाई मिनिस्टर हैं सरकार में और मैं कांग्रेस में, है ना? तो उन्होंने पॉलिसी शुरू से बना दी कि इन दोनों का कोई दखल नहीं होगा. एक भी पत्रकार ना मेरे कहने पर भर्ती होता, ना रविशंकर प्रसाद के कहने पर भर्ती होता, ना दोनों लोग कुछ बता सकते हैं. तो वो इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक कभी News24 की शिकायत की नहीं कि इसमें हमारे खिलाफ आ गया, कोई कंपेन चलाया, कुछ चलाया. वो बैलेंस अप्रोच लेके चलती है और कुछ. तो उसकी ये बात की. बाकी मुझे लगता है कि अगर हम नाम लेने चलेंगे तो ये मुझे कुछ लोगों से बेवजह जो है हमें क्यों आप इसमें घसी. लेकिन हैं कई लोग ऐसे हैं जो अच्छा कर रहे हैं और कई जर्नलिस्ट के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं अलग अलग चैनल्स पे जो बहुत बैलेंस होकर चलते हैं. और कुछ ऐसे हैं जो आपने बताया पहले के हमारे पैनलिस्ट ने दिया कि जिन्होंने बिल्कुल जो है
इतना कर दिया है कि अब सब मतलब आम दर्शक भी जानने लगा है कि यार इसको मत करो, ये तो मतलब ये फला का चमचा, ये फला का नहीं, तो कुछ लोगों की छवि अपने आप खराब हो गई और ऐसे लोगों को बाद में बड़ा सफर करना पड़ता। इस समय तो फौरी उनको तो बहुत एडवांटेज मिल जाता और बहुत कुछ हो जाता, बाद में ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत गिर जाती है। तो इसलिए जो है ये देखने की चीज है, क्योंकि पत्रकारिता में कुछ ही नहीं सिवाय साख के, और साख चलेगी, क्रेडिबिलिटी चलेगी तो बाद में आपके साथ ही आपके कलीग्स ही आपका मजाक बनाते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑडियंस को बीच में लाता हूँ, शर्मा जी भी है। मुझे आप पिछली यूपीए की दोनों सरकारों का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं, यू बीन नोन टू बी वेरी क्लोज टू 10 जनपद, यू आर ऑल्सो क्लोज टू बी नोन टू अ मैसेंजर फ्रॉम 10 जनपद टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड आई एम सेइंग दैट, टेल मी अ कॉन्वर्सेशन अबाउट मीडिया that you had with the Prime Minister or with your cabinet colleagues, which can be shared, which doesn't affect the privacy or privileges that you have as a member of parliament or a minister in the government. But tell us something that is interesting and gives us the same lesson that you've been talking, credibility of engaging with the media, of being fair. So tell us an interesting incident that you, a conversation you had with the Prime Minister or whoever was influential in the UPA 1 and 2. With the INB minister. नहीं, मैं क्या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर था और प्लानिंग मिनिस्टर भी था, तो प्लानिंग मिनिस्टर इज ऑलवेज अंडर द प्राइम मिनिस्टर, तो रोज ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास जाना पड़ता था, खासतौर जब पार्लियामेंट सेशन होती तो दिन में 10-10 बार उनके पास, तो वो अक्सर जो है टेलीविजन चैनल खोल के सामने रखते थे और वो देखते रहते थे। तो एक दिन मनमोहन सिंह कहा, सर आप क्यों ये देखते, ये देख देख के आप परेशान हो जाते हैं, हैं, और इसके बाद जो इसी हिसाब से हमारे डिसीजन होते हैं, तो आप इनको मत देखा करें, टेलीविजन चैनल जो खुले रहते हैं सामने, क्योंकि कोई भी चीज होती है इसमें बड़ा अनुराधा जी को पता था ये बात, बड़ा चढ़ा के पेश की जाती है और आप परेशान हो जाते हैं इससे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं परेशान नहीं होता हूँ, इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे पता चले कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं किया कि इस चैनल ने इतना मेरे खिलाफ बोल रहा, सब सुनते रहते थे चुप, कि कभी रिएक्ट करें, कभी जो है ये सोचें कि इसके खिलाफ हमें कोई कार्रवाई करनी चाहिए, कभी उनके मन में आया नहीं। वो सुन लेते थे अपना क्रिटिसिज्म, ऐसा जैसे आप बोल रहे हैं ना, ऐसी ऐसी बातें सामने कही जाती थी और बैठे देखते रहते थे, लेकिन कभी रिएक्ट नहीं, और कभी उन्होंने नहीं सोचा कि हम तंग करें, लोगों को परेशान करें, चाहे उनके मालिक, उनको तो पता भी नहीं हो कौन किसका मालिक किंचन है, ये भी पूरा नहीं उनको पता। कभी उनके दिमाग में विंडिक्टिवनेस नहीं आई, कभी उनके दिमाग में ये नहीं आया कि हम मीडिया को तंग करें। ये एक उदाहरण आप नहीं दे सकते उनका कि कभी उन्होंने मीडिया के खिलाफ एक शब्द भी बोला। Fantastic. So he's saying, one, the prime ministers do watch news television. That's the first thing he's saying. Second, he's saying we had a prime minister who was, you know, who had grace under pressure, so to say, who would watch news channels but would make sure that he was doing that just to get a pulse of the nation, so to say, right? We have the pleasure of having Mr. Rajeev Shukla here. If you'd like to ask him questions, give me sharp Twitter-like questions. Don't give me long, long questions. Mr. Suresh Narayanan, who is the MD of Nestle and was a jury member, has also joined us. Thank you, Mr. Narayanan, for joining us. Any questions? If you're not, I can close this session and let Mr. Shukla go. No question. Sharma ji, kuch puchna chahenge aap Shukla ji se? ताकि हमारे लिए कुछ कंटेंट बने या कुछ वाक्य ऐसा बताना चाहेंगे जो आज की शाम में, कैन वी गेट माइक टू, नो आई थिंक इट्स वर्किंग, वी कैन हियर यू। आई थिंक आई क्वाइट एग्री विद राजीव दैट यू नो द इट्स द प्ले ऑफ वर्ड्स यू नो व्हिच कैन डिसिपेट अ वेरी टेंस सिचुएशन एज यू रिकॉल्ड द वे वाजपेयी यूज्ड टू डू एंड द वे पीलू मोदी यूज्ड टू डू यू नो and the way many other erudite, learned members of parliament and leaders do. Fact is that nobody likes criticism in the media. But the reactions or responses are different. Some people want to crack down on it. Some people want to live with it. I mean, learn to live with it. I know of certain instances. I mean, frankly, Dr. Manmohan Singh. And I say it on the authority of Sanjay Baru, he happened to say it once, that at the very initial phases of his prime ministership,
there was a controversy involving Shibu Soren, you know. And Shibu Soren was a minister in his council, and he, the opposition of the day was wanting him to be there in the house. And at that stage, someone equally erudite, like Murli Manohar Joshi, got up and said that the minister is a fugitive from the law, and the prime minister is a fugitive from the house, because the prime minister is also not here. And he was watching it in his room on television, and he almost felt that he should demit office, you see, and he had to be persuaded. And perhaps the opposition knew that there were two people who were very conscious of their integrity and their image. One was him and the other was Somnath Chatterjee. And their attacks were persistent on both of them in order to weaken the coalition of the time. So this happens in politics. One can talk about the contemporaneous person also. And when it was India First slogan raised by him, certain people said this, there's no originality there because America First was Obama's slogan, you know. And this is just a replication of that. And that person did not like it, you know. So, you see, they have to live with the media, and media, but the media, you don't have to actually ask the present-day media, you know, it falls in line itself, you know. Because the moment a party gets 282 seats in the House as in complete majority, no signal need indeed be sent, you know, because it happens most of the cases. Honorable exceptions are there, but that's the trend I'm saying. So my question to Rajeev is that, you see, even those channels which are objective. And which are these? Would seldom. And which are these? We discussed it in camera. We had a long discussion. So, and we will get to know when the awards are announced. So, you know, what I'm saying is that even those channels would not attack the Prime Minister and the Finance Minister of the day. That's a rule almost. Which but this rule wasn't, this rule wasn't there in the last regime. UPA 1, UPA 2, in the second phase, that rule got disturbed. But the Finance Minister would still get away with it. Because we have a corporate media, let's understand that, you know. I don't know what Rajeev has to say about that. I mean, by and large, I would agree with you, but that normally journalists, they avoid directly attacking the Prime Minister and the Finance Minister, that's true. But, you know, I mean, as Annurag rightly pointed out, I mean, if you remember that in last regime, Dr. Manmohan Singh himself was under fierce attack. Absolutely. And so was Chidambaram. Even Pranab Babu was not spared when he was the Finance Minister. That had happened. So it happens. And but there were, I mean, Finance Ministers and Prime Minister were not attacked. But this is what, and Narasimha Rao was being criticized so much, you remember. And you were the journalist, prominent journalist at that point of time. Everybody was tearing him apart. Yeah. When Devi Lal had held the press conference, you remember? Narasimha Rao, as the Prime Minister, was being attacked. So it's depending upon the individual, whether he is vindictive or not, whether he believes in cracking down on media or not, coming down heavily on media or not, what kind of mindset has he got? Vajpayee was also being criticized, but he was a different kind of person, depending upon the individual. And, you know, at this point, Mr. That's why I will say, I mean, Mr. Jaitley is also very liberal, he is very friendly with media, and, I mean, presence of everybody, Vinod criticizes him on his face. But he doesn't mind. That is Mr. Vinod Sharma. So that way, he's also very magnanimous. That way. So, and maybe the number of magnanimous people in Congress is much larger than the BJP, you can say. I'm sorry to interrupt. We have two more minutes left. I just want to say that Mr. Zaidi, who's a former election Chief Election Commissioner of India, who's the chair of our jury for the 9th INBA, is there. And please give him a round of applause. Mr. K.J. Suresh, who's the Director General of IMC, has also joined. So I have lots of our jury members. So we'll take two more questions if you have. Otherwise, we'll... I think we'll take it offline. Okay, I would thank Mr. Shukla and Mr. Batra. So we'll close by saying that, Mr. Shukla, thank you for being here. And you were very candid in your remarks about media should regain the lost territory. It has lost
Access should not be primary. Story should be primary. The journalist should be respected so and that facts should be primary. Yeah, facts should be primary, and the journalist should be respected so that the leader wants to give an interview to the journalist and not the other way around. I'm sure in the future we will engage with you, and your views will influence young journalists in this room. Sure. And your life is an example. I'm sure you have been sometimes criticized, and you've made sure you reached out to them and talked to them and made sure that your point of view is represented. We need more leaders like you who understand this country and work for the benefit of this country. Please give Mr. Shukla a big round of applause. Thank you. Thank you. So, may I request Mr. Amit Wadhwani, Director, Sai Estate Consultants, to come on stage and give token of appreciation.